अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको आलू गोभी पकाने का तरीका बता रही हूँ। आलू गोभी बनाने के लिए आपको चाहिए एक गोभी का फूल, जिसको आपने छोटा छोटा काट लेना है। चार दरमियाने साइज के आलू, जिसको आपने क्यूब्स में काट लेना है। लहसुन अदरक को आप बारीक बारीक काट लें। एक दरमियाने साइज का प्याज और टमाटर, इनको छोटा छोटा काट लें। तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें ले लें और उनको भी आप बारीक बारीक काट लें। इसके अलावा हरा धनिया, उसको भी आप काट लें। एक टेबलस्पून दही का। मसाले जो आपको चाहिए वो है नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पीसी हुई 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, क्रश मिर्चें 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पीसा हुआ। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालकर हल्का सा ऑयल को गर्म कर लें। फिर उसमें प्याज और लहसुन डालकर थोड़ा सा पकने दें। फिर इसमें टमाटर, अदरक और थोड़ा सा पानी डालकर भून लें। थोड़ा सा भून कर उसमें हम हरी मिर्चें, नमक, लाल मिर्च पीसी हुई, क्रश मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया पीसा हुआ और दही डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम आलू और गोभी डालकर गलने के लिए रख देंगे। देखें, आलू और गोभी दोनों गल गए हैं। इसके ऊपर हम हरा धनिया डालकर गरम गरम सर्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।